चैनल रिचा एंड सौरव वर्ल्ड। हम लोग हैं सेंट्रल लंदन में और आपको पता समर्स चल रही है तो समर्स के मजे हो गए हैं और जन्माष्टमी का जो माहौल है ना वो हम लोग देखने आए हैं सेंट्रल लंदन में ना। यहाँ पे सोहो में इस्कॉन टेम्पल का मंदिर है, छोटा सा टेम्पल है, नॉट लाइक वाटफोर्ड जिसकी हम वीडियोज में कई बार दिखाते भी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज सेंट्रल लंदन में हम इस्कॉन मंदिर जाएं और वहाँ पे एक गोविंदा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे थोड़ा खा पी के आए। अभी हम है बिग बैन के आगे और यहीं से ही हम शुरुआत करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम घर जाके सोहो मार्केट भी घूमेंगे और जन्माष्टमी की घर जाके पूरी फुल टॉस प्रेपरेशन करेंगे। मैं ना सौरभ से रूठ के इधर बैठ गई हूँ क्योंकि उसने मेरे को बहुत ज्यादा गंदे तरीके से बोला। क्यों आए हो, हटो मेरे बात नहीं करनी, हटो मेरे को बात नहीं करनी तुमसे, कैमरे के बोलो सॉरी, कान पकड़ो। क्यों बोला गुस्से से मुझे, क्यों बोला, गर्मी लग रही है तो पानी पी लो यहाँ बैठ के, पहले मुझे मेरे पे गुस्सा मत उतारो। ड्रिंक वाटर, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया था जो तुम मेरे पे गुस्सा हुए। और हैट वैट पहन लिया, बहुत गर्मी है यहाँ पे और अभी हम बस का वेट कर रहे हैं जो कि आ रही है पीछे वाले स्टेशन पे। बहुत ज्यादा हीट वेव चल रही है बट एक्साइटेड फॉर ऑल द इवेंट, एक्साइटेड फॉर द डे कि अच्छे से सब कुछ हो, प्रेपरेशन अच्छे से हो जाए। पहुंच चुके हैं लंदन के टाइम्स स्क्वायर में, पिकैडली सर्कस में। बड़ी दिली तमन्ना है कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे जाके एक बार पिक्चर खिंचवाई जाए। अभी हम फटाफट रोड क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि हमारा सिग्नल खत्म होने वाला है एंड वी आर हेडिंग टू सोहो मार्केट सबसे पहले, फिर उससे वहीं से ही हम लोग मंदिर भी जाएंगे। अभी हम सोहो मार्केट से निकल रहे हैं बट यहाँ पे ना बिल्कुल भी, अभी सुबह सुबह का टाइम है ना तो बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, शाम को 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात को तब ये मार्केट देखने वाली होती है। एंड अभी हम एक्चुअली मंदिर की तरफ जा रहे हैं ना। ओहो सौरभ को तो क्या हो गया, सौरभ बहुत अच्छे लग रहे हैं पर नहीं खा सकता। चलो वेट लूज जर्नी पे हो ना, आई कैन अंडरस्टैंड योर हार्ट ब्रेक। नहीं यार क्या करने, घर पे जगह नहीं लगाने के लिए, पहले बड़ा घर लेके आओ। बड़ा घर ये शुरू हुई है असली मार्केट, मार्केट में तो दिखी है। चलो फिर चले थोड़ा देख के, उधर उधर अच्छे लग रहे हैं, कैफे नीरो ये सब है और इधर तो चाइनीज मार्केट है। ताकि थोड़ा जो अपना डिहाइड्रेशन हो रखी है वो ठीक हो जाए। ये शीशा ना बहुत ही अजीब सा नहीं लग रहा, हाँ साफ नहीं किया। सोहो स्ट्रीट में आके ना मुझे बल्गेरिया की ना थोड़ी थोड़ी वाइब्स आने लग गई है। यूरोप में जो है कलरफुल स्ट्रीट्स, काले पीले नीले हाउस, वाइट वाला हाउस, ये कौन सा पोर्टलैंड हाउस, यहाँ लोग रहते हैं एलियन तो नहीं। अच्छा आप ना इधर खड़े हो, आपकी पिक्चर लेती हूँ एक यहाँ पे ना वाइट वाइट के। सोहो पार्क के अंदर किसी ने अपना घर बनाया हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर घर बनाया हुआ है यार, तो ये इसको मतलब वो नहीं कर सकते जैसे तो है। ठीक है, फूल कितने सुंदर सुंदर है ना समर्स में। तो सौरभ को नई सवारी मिल गई अपनी, चलो यार मंदिर चलो, आ गया मंदिर। ये फिर तुमको पे करना पड़ेगा ना, चलो फिर चल यार, इतनी गर्मी में पसीने आ जाने हैं तो बस तुम जिम कर गया तो आर्मी हिम्मत है। जय श्री कृष्णा। तो अभी हम खाने आए हैं थाली, यमी लग रही है ये देखो, दिस इज द बिगर थाली, तो छोटी ले लेते हैं हम, इसे नहीं बड़ी खाई जानी। दीज आर द आइटम्स, हाँ तो हमें पनीर वाली थाली चाहिए, अनलिमिटेड थाली चाहिए। थाली जो है ये आई है 15 पाउंड की क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 1 रोटी ली थी, तो एक्स्ट्रा 1 रोटी का जो भी आप एक्स्ट्रा चीज लोगे उसका 1 पाउंड आएगा। और अभी हम दोनों इसको खत्म करने वाले हैं, ये हम दोनों के लिए पूरा है। हाँ भूख लगी है बहुत ज्यादा, बट कई लोगों को भूख लगी है वो ले भी सकते हैं, नॉट एन इश्यू, भीड़ काफी है इसमें तो वीगन आपको पूरा फूड मिलेगा। थाली खा के पेट ऐसे भर गया ना, भर गया यार ज्यादा थाली आज तो, पूरे दिन की कैलोरी काउंट मेरा ऊपर नीचे हो गया सारा। वीगन थाली थी अच्छी थी और अभी वेजिटेरियन थाली थी। अभी हम वापस जा रहे हैं घर
क्योंकि हमें जाके घर में भी पूरी तैयारियां शुरू करनी है, मंदिर वंदिर सजाना है पूरा, मतलब साफ करके, और उसके बाद केक वगैरह बनाना है। एक्चुअली ना हम खाना पचाने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, इसलिए शॉपिंग नहीं चाहिए खाना पचाने के लिए। चल थोड़ी शॉप कर, अरे यार ये अच्छी लगी, तो शॉपिंग तो होनी होनी है। आते आते हमने ग्लोबल गिफ्ट से थोड़ी शॉपिंग कर ली है, ये लोग क्लोजिंग डाउन कर रहे थे तो हमें काफी 5-5 pounds 10-10 pounds में सामान मिल गया, तो हमने फिर मौके पे चौका मार ही लिया। हाँ, जो बेसिकली 20-20 pounds का था उन्होंने फ्लैट 75% ऑफ लगाई। बैक टू होम, आज बहुत थकावट हो गई बट कृष्णा जी के आशीर्वाद में मिल गया। अब हम घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम घर पे मंदिर की पूरी प्रेपरेशन, जन्माष्टमी की तैयारियां स्टार्ट होगी। अभी जाके सो जाएगा क्योंकि सुबह से उठा हुआ 5 o'clock का, बट जो भी था आज का दिन बहुत अच्छा निकला। घर पहुंच गया और घर आके हमने खूब 2 घंटे का अच्छा वाला नींद लिया, और मौसम देखिए बारिश वाला मौसम हो रहा है। कहते हैं ना कृष्ण जन्माष्टमी हो तो बारिश धूप सब कुछ आता है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं क्योंकि ठंड हो रही है। और सौरभ कर रहा है उधर मंदिर की सफाई, क्योंकि हम नए कपड़े बिछा रहे हैं और नया सारा सामान पूरा सफाई कर रहे हैं मिट्टी दूर को, और सारा भगवान जी का ना अलग से एक आसन बिछाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, ये तो एक्चुअली सुबह की थोड़ी सी सब्जी थी और साथ में मैंने बनाया चने, और अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। भगवान जी का मंदिर काफी हद तक सज गया है हमारा, और यहाँ पे हमें जो समझा हमने वही कर दिया। इधर लाइटें लूटे लगा दी है, और यहाँ पे कृष्ण जी का झूला भी रेडी है, ये सारा प्रिपेयर कर दिया, ये मैंने किया है। तो झूला रीते ने बनाया, बाकी डेकोरेशन मेरे से कराई गई है, और ये अभी गुब्बारे फुलाने हैं क्योंकि सौरभ ने इस पंप की हेल्प से अभी गुब्बारे को ना, देखो खेलने की चीज नहीं है, बताना हमारे छोटे से प्यारे से कृष्णा जी के बर्थडे की डेकोरेशन आपको कैसे लगी। ये मैंने नई ट्रे ली थी, अभी इसमें सारा मिठाई वगैरह डलेगी, और ये है गूगल, ये हम इंडिया से लेके आए थे, ये कहता है घर की शुद्धि करता है बेसिकली, और इसके साथ हम थोड़ा सा ये भी रखेंगे, ये है कपूर कैम्फर, और भी सारी चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे सेट होंगी। तो स्टे ट्यून फॉर द जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, मतलब पहले जिम किया, फिर वहां पर हम घूमने गए, मंदिर गए, इस्कॉन मंदिर जो कि सोहो में है, फिर पूरा घूम फिर के आए, और अभी जाके आके ये डेकोरेशन की है। और ये हमारी करनी जरूरी होती है जन्माष्टमी के एक दिन पहले, क्योंकि हमें होता है कि पूरी तैयारी रहे, और जन्माष्टमी वाले दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें इस्कॉन मंदिर भी जाना है राठौड़ वाले। तो हम ना मतलब हर साल करते ही करते हैं। हाँ, तो तुम तो कभी नहीं करते थे, मैंने तुम्हें कराना सिखाया है। अब तो जबरदस्ती पीछे पड़ते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड, अभी बहुत भूख लगी है, तो आप लोगों को बाय बोलते हैं, एंड बने रहिए हमारे साथ, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। Yeah!